नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली चोप अपडेट पर। गाइस, अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी से निकलने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आई टी से निकलकर आने वाली सभी सरकारी भर्तियों के अपडेट के बारे में या सरकारी विभागों से निकलने वाली सभी अप्रेंटिस भर्तियों के बारे में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से आई टी छात्रों को सुनहरा मौका है। रक्षा मंत्रालय में आप लोगों को पता होगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यहाँ से पक्की नौकरी निकल कर आ रही है, जिसमें सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। पहले साल 23,000, दूसरे साल 24,500, तीसरे साल 26,000 रुपये और चौथे साल आपको 27,500 रुपये सैलरी दी जाएगी। गाइस, ये भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, परमानेंट सरकारी भर्ती नहीं है, बट आपको यहाँ पर सरकारी जैसा ही वेतन देखने को मिल रहा है, या मैं कहूँ कि सरकारी से भी ज़्यादा ही वेतन आपको देखने को मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको ओनली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस, देखिएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वॉक इन इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है 20 फरवरी 2023 को। साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोजिशन पर आप लोगों के लिए भर्ती निकाली गई है। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी से आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक और ITI पास आउट छात्रों के लिए भर्ती है, जो 8वीं और 9वीं पोस्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट ट्रेड फीटर के लिए जो वैकेंसीज निकल कर आई हुई हैं, इसमें टोटल 10 पोस्टें यहाँ पर हैं। फीटर के लिए टोटल पोस्ट की अगर हमें बात करूँ तो टोटल 10 पोस्टें यहाँ पर हैं। रिजर्वेशंस अलग हैं, ओके, 10 पोस्टें फीटर के लिए हैं। इसके बाद जो अगली पोस्ट हैं, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके लिए 8 पोस्ट हैं। इस प्रकार से ITI की टोटल यहाँ पर 18 पोस्टें निकल कर आ रही हैं गाइस, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी पोस्टें यहाँ पर डिटेल में दी हुई हैं। पहली जो पोस्ट हैं फीटर असिस्टेंट के लिए, आप लोगों का ITI होना चाहिए फीटर ट्रेड से, विथ NSC और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका सर्टिफिकेट, NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हम दूसरी बात करें तो ITI इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक असिस्टेंट के लिए, अगर आपने ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या रेडियो मैकेनिक से की हुई है, विद NSC और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से की हुई है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। सीधा इंटरव्यू आप लोगों का रहेगा दिनांक 5/3/2023, देखिएगा 5 मार्च 2023 को आपका इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। सुबह 8:30 पर आप लोगों को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, सुरजन दास रोड अपोजिट इंजन डिवीजन बिना मंगला, न्यू तिपा सांद्रा बेंगलुरु कर्नाटक आप लोगों को पहुंच जाना है। लैंडमार्क दिया हुआ है विवेकानंद मेट्रो स्टेशन के पास में, ठीक है, इस एड्रेस को अच्छे से सेव कर लेना, जिसको मैं रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूं। आप लोगों को यहां पर जाना होगा 5 मार्च 2023 को, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के। क्या क्या लेकर जाना है नीचे हम डिटेल में बात कर लेंगे। ITI अगर फीटर से किया हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो मैकेनिक से किया हुआ है, तो ITI वाले बच्चे और साथ ही डिप्लोमा मैकेनिकल, जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी दिनांक 5 मार्च 2023 को यहाँ पर पहुँचेंगे। आप लोगों का एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज लिमिट 18 से 28 साल यहाँ पर रखी गई है। रिलैक्सेशन में SC कैटेगरी को 5 साल का, ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में आप लोगों को मिल रहा है। बात करें अगर हम सैलरी की, साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 साल तक की सैलरी यहाँ पर दी हुई है। पहले साल 23,000, दूसरे साल 24,500, तीसरे साल 26,000, चौथे साल 27,000, 4 साल की सैलरी यहाँ पर दी हुई है, 4 ईयर्स, यानी कि यहाँ तक तो आपकी जॉब परमानेंट जॉब रहने वाली है गाइस। ये देखिए, यानी कि 4 साल तक तो आपको यहाँ से कोई भी हटाने वाला नहीं है, 4 साल तक की सैलरी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है।
सभी पोस्टों के लिए सैलरी इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है गाइस। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, पूरा एड्रेस मैंने पहले आप लोगों को ऊपर बता दिया है, फिर से नीचे आप एड्रेस देख सकते हैं जो रेड बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है। और याद रखिएगा जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट इंडियन नेशनल ओनली, ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए जा सकते हैं। लिखा हुआ है 8:30 बजे से कैंडिडेट विल नॉट अलाउड आफ्टर 11:45, यानी कि 11:45 के बाद आप यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, यानी कि 12:30 बजे से पहले पहले आपको जाना होगा और आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का लिंक मैं सीधा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, bdl-india.in पर आपको जाना होगा, वहाँ पर करियर ऑप्शन में जाना है। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल डेट देख लेनी है। अप्लाई करने के लिए आपको इसका फॉर्म जो डाउनलोड करना है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ, जाकर के इसका फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा, फॉर्म को तुरंत फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, एग्रीगेट परसेंटेज, सिक्योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप लोगों का रहने वाला है 75 मार्क्स, ठीक है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर है 1 साल की तो 3 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 साल की हैं 6 मार्क्स उसको मिलेंगे, 3 साल की हैं 10 मार्क्स उसके एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं। और इंटरव्यू जो आप लोगों का रहेगा वो 15 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है, इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। देन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मौका है गाइस, आप लोगों को याद रखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द पोस्ट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ओनली, यानी कि पोस्ट जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नौकरी है, बाकी आप लोगों को यहाँ पर सैलरी इतनी अच्छी देखने को मिल रही है ना गाइस कि पूछो मत भाई, मैं तो खुश हो गया, काफ़ी अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो जो भी छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो वे छात्र जाएं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से फाइनेंशियली परेशान है, तो वो इसमें जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है गाइस। और आप लोगों को यहाँ पर कम से कम 4 साल तो परमानेंट रखेंगे और सेम जो सैलरी यहाँ पर दी है यही देने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने का जो लिंक है गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जाकर वहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड कीजिए, ऑफलाइन फॉर्म है उसको डाउनलोड आपको करना होगा, देन आपको फिल कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपको फॉर्म सेंड करने का भी, तो गाइस आपको वो जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक। इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा उसमें फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक है, उसमें अपनी कंप्लीट डिटेल भर दीजिएगा और वो फॉर्म आपको लेकर जाना होगा। 5 मार्च को जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो अपने सभी ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये ब्रिंग करने हैं। ओनली इंडियन नेशनल में अटेंड एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड अबव शुड बी एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरी प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स starting to experience certificate as per applicability or salaried account statement for number of years of experience, ये सारे सब कुछ चीज़ें आप लोगों को 2 recent कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है दिनांक 5 मार्च 2023 को, याद रखिएगा। और फॉर असिस्टेंट इन केस ऑफ क्वेरी, अगर कुछ भी क्वेरी आपको है तो एक बार यहाँ पर कॉल भी आप जरूर कर सकते हैं, 9:30 से 17:30 के बीच में आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, यानी कि 5:30 तक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट हो तो ही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज किसी को परेशान नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ऑफिशियल लिंक, जहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर दो गाइस, कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, आप लोगों को सीधा इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।